हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे मैंने ये फर्नीचर पोस्टर क्रिएट किया है। एंड स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को कि कैसे हम ये शेडो इफेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द डिजाइनिंग, लेट अस सी कि इस ओवरऑल पोस्टर में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। एज यू कैन सी, यू हैव पे यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं जो कि इमेज में हम चार इमेज यूज करेंगे, जिनके कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये आपको पूरी फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन नोट डाउन दिस ऑल। ओके, तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो मैं इसमें से एक इमेज को फाइंड आउट करके बता देता हूँ। इसी तरीके से बाकी सारे इमेज भी फाइंड आउट होंगे। तो जस्ट आपको एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जो भी आपको सर्च करना है। एंड इमेज फाइंड आउट करने के लिए आपको फोटोज के ऑप्शन में चले जाना है, एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ इमेजेस। हमने जो इमेज यूज किया है ये वाला, एंड आप उसे जूम करके देख सकते हो। देन हमने जो फॉन्ट यूज किया है, यू कैन सी यार मोन्टसेरात, मोन्टसेरात सेमी बोल्ड, मोन्टसेरात एक्स्ट्रा बोल्ड एंड मिस्ट्रोलिक। एंड हमने जो कलर यूज किया है, तीन कलर यूज किया है, लिटिल बिट ऑरेंज, देन व्हाइट एंड ब्लैक कलर। ठीक है, एंड एलिमेंट्स में हमने ज्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं यूज किया है, काफी कम एलिमेंट्स हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लास्ट वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो। सेम इसी तरीके से जैसे फोटोज फाइंड आउट किया, उसी तरीके से वर्ड ग्राफिक्स में जाना होगा। ठीक है, ग्राफिक्स में ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ एसेट्स हैं जो यूज करेंगे हम इस ओवरऑल पोस्टर को क्रिएट करने के लिए। नाउ अब आपको आ जाना है अपने कैनवा स्क्रीन पर, और यहाँ पे सबसे पहले जो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है वो इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। जस्ट आपको क्लिक करोगे, आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस ओवरऑल पोस्टर क्रिएशन को ब्रेकडाउन मेथड से एक्सप्लेन करेंगे ताकि मैं आपको कम समय में हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। दैट्स फाइन। तो जैसे पेज आप एड ऑन करोगे, तो सबसे पहले आपको जो सर्कल फ्रेम है उसे सेलेक्ट कर लेना है जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद से जो इमेज है, ये वाली जो लास्ट इमेज है जिसका नाम है मॉडर्न होम ऑफिस विथ कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिजाइन, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये इमेज फिट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद से आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है। ठीक है, सर्कल लेने के बाद से इसको आपको प्रॉपरली इसके ऊपर फिट कर देना है जस्ट लाइक दिस। और इसके कलर को आप चेंज कर लेना है आपको इस कलर में जो कि हमने कलर कोड प्रोवाइड किया है आपको फाइल में। देन इसकी ट्रांसपेरेंसी को कुछ इस तरीके से आपको अराउंड 70 के लगभग रख लेना है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर प्लेस करोगे तो ये मिडिल में स्नैप होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो अब इसके बाद से आपको क्या करना है, जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद से इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100 कर दो और चले जाओ यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल के ऑप्शन पे, और बॉर्डर कुछ 10 या 12 के अराउंड आप रख लो। ओके, और बॉर्डर कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि हमें बॉर्डर कलर यही चाहिए। एंड इस कलर के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ से कलर ऑफ कर देना, तो इंटीरियर कलर ऑफ हो जाएगा। अगर मैं आपको शो करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। एंड इसको आपको प्रॉपरली वंस अगेन मिडिल में इसको इस तरीके से प्लेस कर लेना है। तो यू कैन सी हम प्रॉपर क्रिएट कर लिए। अब जस्ट आपको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद से इसको इस तरीके से जूम करके आप यहाँ साइड में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे यही प्रोसेस फॉलो करके मैं क्रिएट किया और यहाँ पे साइड में प्लेस कर लिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लियर। देन उसके बाद से हम क्रिएट करेंगे ये जो है फ्रेम्स। तो ये फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नया पेज एड करना होगा, वो तो कंपल्सरी है। देन जो हमने ये फ्रेम्स यूज किया है, इसको आपको इंसर्ट कर लेना है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे प्लेस कर लो। तो इसको आपको इस तरीके से प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। एंड देन इसी को जस्ट आपको डुप्लीकेट कर देना है, और जो बैक में है उसके कलर को आपको रख लेना है ब्लैक कलर, एंड इसके कलर को आपको प्लेस कर लेना है व्हाइट कलर। ठीक है, और इसको जस्ट इसी के बाद ला के प्लेस कर दो और इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट कर दो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जिससे कि एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप किसी भी फ्रेम्स के बॉर्डर बना सकते हो। तो बॉर्डर क्रिएट हो गया, अब जस्ट आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है जस्ट बाय गोइंग योर डाउनलोड पे। एंड देन जैसे डाउनलोड हो जाए, आपको बस इसको अपलोड कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और यू कैन सी ये अपलोड हो चुका है। जस्ट मैं बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। देन आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको चले जाना है एडिट इमेज के ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है जस्ट बाय सेलेक्टिंग दिस।
एंड नाउ क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। तो ये बैकग्राउंड आपका प्रॉपर रिमूव हो गया। जैसे बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाता है, तो सबसे पहले इसके कलर को चेंज करना है, एडिट इमेज पे जाना है, और जो डियो टोन का यूज होता है, कैसे यूज करते हैं इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो जस्ट मैं इसके कलर को यहाँ से चेंज कर दिया व्हाइट कलर में, क्योंकि हमें इस ओवरऑल फ्रेम में जैसे कि देख सकते हो हमने व्हाइट कलर यूज किया है, दैट्स व्हाई दिस। तो जैसे व्हाइट कलर में हो जाए, देन जस्ट इसको डुप्लीकेट करना है और एक को सेलेक्ट करना है, एडिट इमेज के ऑप्शन पे जाना है, एंड आपको नीचे स्लाइड डाउन करके शेडोज के ऑप्शन में जाना है, ड्रॉप शेडोज पे अप्लाई करना है। ठीक है, अभी आप देखो कि ये ड्रॉप शेडो काफी नीचे की तरफ अप्लाई हुआ है, बट इस तरीके से नहीं चाहिए तो कंट्रोलर के ऑप्शन पे क्लिक कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो बॉटम ऑफसेट वन, एंड ट्रांसपेरेंसी आप कुछ इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से, एंड ब्लर कम करो। ब्लर कम करने से क्या होगा, ये डार्कनेस ज्यादा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर लिया, देन आपको जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर देना है, एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड तो ये प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। देन ये जो अगला फ्रेम जो डुप्लीकेट किया था, जस्ट इसको लाके इसके ऊपर प्लेस कर देना है इस तरीके से, एंड नाउ पोजीशन के ऑप्शन पे जाना है, लेयर्स में चले जाओ और नीचे वाले को सेलेक्ट कर लो और कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लो अपने अकॉर्डिंग। ये जो आपको कट शो हो रहा है, ये टोटली आपके उस शेडो अप्लाई करने पर डिपेंड करेगा, जितना अच्छे से आप शेडो अप्लाई करोगे ये आपको कट शो नहीं होगा। ठीक है, इट्स क्लियर। देन उसके बाद से वंस अगेन हमने जो फ्रेम लिया था इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जस्ट लाइक दिस, और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। एज यू कैन सी हमारा ओवरऑल रेडी हो गया, जस्ट आपको इसको सेंड कर देना है लेयर को सिल्को टाइप। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ओवरऑल शेडो हम क्रिएट कर चुके हैं जैसा हमें शेडो चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरीके से का यूज करके मैंने ये शेडो क्रिएट किया है। ठीक है, अभी मेरे पे इसमें देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा जूम करता हूँ तब यहाँ पे ये शो हो रहा है। एक्चुअली ये टोटल ओवरऑल शेडो क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देन उसके बाद से जैसे आप ये क्रिएट कर लो, ठीक है, ये जैसे क्रिएट कर लिया आपने, इसको आप एक साथ ग्रुप कर लो। ठीक है, ग्रुप करने के बाद से आप इस तरीके सॉर्ट कर सकते हो, एंड इसी को जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं तीनों को अलग अलग प्लेस किया हूँ। देन इसमें हमने जो भी इमेज था यहाँ पे, जैसे कि आपने तीन इमेज और देखा था ना, इसी इमेज को हमने इंसर्ट कर दिया है इसमें। फ्रेम में कैसे हम किसी भी इमेज को इंसर्ट करते हैं, आई होप आपको ये चीज पता होगा। ठीक है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना, एंड देन आफ्टर हमने यूज किया है यहाँ पे टेक्स्ट। तो जो पहला टेक्स्ट हमने लिखा है मोंटसेरात एक्स्ट्रा बोल्ड, यू कैन सी योर, इसकी जो साइज है 54.5, कलर जो यहाँ पे जो कलर यूज किया सर्कल फ्रेम का, मतलब जो सर्कल पे वही कलर, एंड यू कैन सी ये अपर केस ऑन है। फर्नीचर भी सेम डिफरेंट इसी तरीके से इसको जस्ट डुप्लीकेट करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो सेम में लिख सकते हो, चॉइसेस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इसकी जो साइज है 54.5, दोनों की साइज सेम है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको अपना रूलर्स को इस तरीके से ऑन कर लेना है। ठीक है, तो यू कैन सी हमने प्रॉपर रूलर्स का यूज किया ताकि ये अलाइनमेंट बनी रहे। देन यहाँ पे हमने लिखा है इंटीरियर डिजाइन, जो कि मिस्ट्रोली में 52.7 साइज, जो पहले वाली साइज थी उससे शॉर्ट है। ठीक है, एंड यू कैन सी इसको हमने अपर केस ऑन नहीं किया है, यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन है। देन जो हमने लाइन एड किया है, यू कैन सी इधर इसकी जो बॉर्डर वेट है 5। ठीक है, और कलर सेम इसके कलर के जैसा है। देन उसके बाद से हमने यहाँ पे और ज्यादा डिटेल्स लिखा है, जस्ट इसको अगर इधर सॉर्ट कर लो तो डिटेल्स आप देख सकते हैं, मोंटसेरात में बोल्ड। ठीक है, क्योंकि अगर बोल्ड नहीं रखोगे तो इट विल बी सो थिन, उसी वजह से बोल्ड ऑन किया है। 11.1 साइज है, कलर जो इसका है यू कैन सी ब्लैक कलर। देन यहाँ पे हमने लिखा है 50% ऑफ। 50% ऑफ लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले तो इसको आपको एक्स्ट्रा बोल्ड में लिख लेना, मोंटसेरात एक्स्ट्रा बोल्ड, क्योंकि एक ही में लिखोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड देन आपको परसेंटेज ऑफ लिखना है, परसेंटेज ऑफ अगर जैसे लिखते हो, लेट मी एड दैट, जैसे आप परसेंटेज ऑफ लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ लिखते समय हमेशा कैपिटल लेटर ऑन कर लो। फॉन्ट जो हमने रखा है मोंटसेरात, ठीक है, तो कैंसिल या मोंटसेरात, इसको बोल्ड कर लो। बोल्ड करने के बाद से अब आपको इसको इस तरीके से सॉर्ट कर लेना। ठीक है, लेफ्ट एलिमेंट कर लेना है और स्पेसिंग में आके आपकी स्पेसिंग कुछ इस तरीके से कम कर लेनी है, यू कैन सी कुछ इस तरीके से हो गया। एंड यहाँ पे आप यूज करो ये गाइड्स, ताकि इन दोनों का जो भी है, इन दोनों की साइज सेम रहे, यू कैन सी यह लगभग लगभग साइज दोनों की सेम है, क्योंकि प्रॉपर काफी बेहतरीन दिखता है अगर आप कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट का यूज कर रहे होगे और रूलर्स का। देन यहाँ पे हमने जो यूज किया है लिमिटेड टाइम ऑफर, मोंटसेरात में लिखा है बोल्ड और अपर केस। यहाँ पे आपको लिखने के लिए जो नीचे आपने जो देख रहा है बॉर्डर जो आप देख रहे हो, ये मैंने शेप्स को यूज किया है, जो रेक्टेंगल शेप्स है बस उसी को सॉर्ट कर दिया है सिंपल। देन उसके बाद से हमने यहाँ पे
शॉप नाउ जो ये आप देख रहे हो, दिस वन जो क्लिक बटन शॉप नाउ की जो आइकन है, इसको जस्ट प्लेस किया है। ये कलर चेंजेबल है, तो कलर हमने चेंज कर दिया समथिंग व्हाइट और येलो कलर में। एंड यहाँ पे जो हमने वेबसाइट का आइकन है वो प्लेस किया है। देन विजिट आवर वेबसाइट जो लिखा है मोंटसेरात सेमिबोल्ड, यू कैन सी हियर। एंड 16.2 साइज है एंड कलर सेम उसी के जैसा। एंड द वेबसाइट जो लिखा है मोंटसेरात सेमिबोल्ड में, लेकिन इसको बोल्ड कर दिया है क्योंकि ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए हमने बोल्ड रखा है। देन आप सब कुछ हमारा क्रिएट हो गया, वन थिंग विच इज लेफ्ट दैट इज लोगो। तो लास्ट में हमने वहाँ पे लोगो भी प्लेस कर दिया। तो ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करके हमने इस पोस्टर को क्रिएट किया। एंड नाउ जब इसको डाउनलोड करना है, तो जस्ट आपको शेयर पे जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करो, इसके साइज मैक्सिमम रखो एंड पेज जो है वो सेलेक्ट कर लो, डन करके डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दो, तो आपका ओवरऑल पोस्टर्स डाउनलोड हो जाएगा। सो दिस वॉज द सिंपल ट्यूटोरियल जिसका यूज करके मैंने इस पोस्टर को क्रिएट किया था। द मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट वॉज दिस, ये शैडो कैसे बना। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। आप बताओ आप कौन सा मेथड से यूज करके आप ये शैडो को क्रिएट करोगे, मस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो। सी यू एंड कीप स्माइलिंग।